हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। सो यार, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया लास्ट 30-35 डेज के अंदर मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, और केमिस्ट्री के अंदर बच्चों मेरे 180 में से 172 मार्क्स थे। सो व्हाट आर द यू नो स्ट्रेटजीज जो कि मैंने फॉलो करी थी उसके लिए, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि केमिस्ट्री के अंदर यू एवरीबडी नोज दैट तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक एक करके मैं आपको टोटल ऐसे 5 चैप्टर्स बताऊंगा। उन 5 चैप्टर्स को भी अगर आप बहुत अच्छे से अभी कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपके यू नो 15-20 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए। उसके बाद फिर मैं आपको और बताऊंगा कि आपको कहां से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस जिनसे 100% स्ट्राइक रेट है कि भैया क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों, वहां से हर साल मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको 5-8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जिस साल ज्यादा क्वेश्चन आने होते हैं 10 क्वेश्चन इन अ ईयर भी गए हुए हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग आपका मस्ट टू डू चैप्टर है, उसको छोड़ के प्लीज मत जाना। उसके अंदर ज्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। यू नो आपको ऑर्डर्स लर्न करने होते हैं एंड सम व्हाट यू नो जो भी आपके ट्रेंड्स हैं उनको लर्न करना होता है, और अगर उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो यू विल बी जस्ट गेट वेल टू डूइंग। साथ साथ में जब आप एक बार कर लेते हो ना, अब आप में से सोर्स पूछोगे भैया कहाँ से करें, एनसीईआरटी से करें कि कहाँ से करें, तो एक चीज बताऊं, अगर आप उसके क्वेश्चंस लगाते हो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एजुकार्ट की तरफ से, ये आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हो। इन दोनों मॉक टेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे यू नो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के, बट अभी मैं आपको केमिस्ट्री रिकमेंड कर रहा हूं। तो आप लोग इस एजुकार्ट मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के यू नो आपके केमिकल बॉन्डिंग के, सारी ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, सब के क्वेश्चंस इस एजुकार्ट में हैं। टोटल 20 पेपर्स हैं बच्चों। एट द मेन थिंग इज कि हर पेपर के लिए आपको जो एनटीए की ऑफिशियल एग्जाम होता है वो वाली ओएमआर शीट दी गई है। 10 एक सेट में 10 पेपर है, टोटल 20 ओएमआर शीट है जिनसे कि आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज यार आप लोग को परचेस करना है, डेफिनेटली कर लीजिएगा। सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें भैया आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग क्या करना चाहिए, आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कर लेना, वहां से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो यार बच्चों यू एवरीबॉडी नो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, एंड उन सबसे भी मेन है आपकी नेम्ड रिएक्शंस। मेरे पास लिस्ट थी लगभग 35-40 ऐसी नेम्ड रिएक्शंस थी जो कि आपको आनी चाहिए। उन्हीं नेम्ड रिएक्शंस को घुमा के वो लोग कन्वर्जेंस दे देते हैं, यू नो रिएक्टेंट्स डाल के दे देते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो आपको मस्ट टू डू है। और अगर आपको करना है तो आप सॉल्वड एग्जांपल्स कर लो जो एनसीईआरटी में दिया है, यू नो। आफ्टर दैट अगर हम बात करें भैया व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर, तो आप इक्विलिब्रियम, उसके अंदर दोनों आ जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, सो यू हैव टू डू दैट आल्सो। वहां से भी यू नो प्रोबेबली आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं। मैं दोनों इक्विलिब्रियम को मिला के बात कर रहा हूं, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आयनिक से दे देते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर आपके ये छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं यू नो लाइक आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया, वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, मोल मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी वाले कॉन्सेप्ट से, जो आपका यू नो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर्स, वहां से मतलब बहुत सिंपल चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर आप एट द लास्ट 30-35 दिन में चाह रहे हो कि आपके 100+ आ जाएं, तो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया आप ये आराम से कर लीजिएगा। जो एजुकार्ट के मॉक टेस्ट पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी वो परचेस करके वहां से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 100% विल गोना रॉक इन द एग्जाम बच्चों। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो यार और शेयर कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।